महाराज देखे माया है ही। जो भी काम करना है माया से बता दो। और चरण कमल में आपका माया का चरण कमल में आपके माया का नाम और दीजिए आशीष मुझे सदा मालिक की मर्जी होगी तो ऐशो आराम होगा आजाद करो भी। और कहां पर हुआ है मुझे अब बताओ पर कुआ है हमें तुम बताओ और कहां पानी भरना है और चल कर शागर सिंह बोलिए बोलिए जमींदार साहब दरबारी शिकायत हो कि महलों में जाकर माया को बता दे कि कहां कुआं है कहां से पानी लेकर के कहां भरना है। नौकर नौकर कहा भाई बाबू मिटा दूंगा कसम भोलेनाथ की। काहे को मिटा देंगे बतिया बताइए का भा हरा घर माया का ले जाओ और जहां पर कुआं है अच्छा ओ बता दो अच्छा अब फुलवारी जहां सींचे वो दिखाई दे। हाँ सर दिखा देना चला तरीके से बताना और कोई बात नहीं ठीक बा अब माया चला मेरे साथ है। अभी तक दरबारी बता करके वापस नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया काम बताया या नहीं देखो कहां देर कर रहा है। बता दिया काम माया के एकदम पूरे काम बता दिए बाबू इसी को लोग कहते हैं राजनीति कि सांप मर जाए लाठी ना टूटे।
इसी को कहते हैं राजनीति, इसी को कहते हैं कूटनीति। ठकुराइन साहबा मकान में है नहीं, वो तो अपने मायके गई है। तो बाबू तब हम गए हैं रास्ता पूरा बताई दे। अब ठाकुर को सर सिंह महलों में जाएगा और माया से अपनी हवस को बुझाएगा। तुम लोग यहां इंतजार करिए, मैं भी चंद मिनट में वापस आता हूं। ठीक है बाबू। बाबू हम लोग के बैठे कौन फायदा में क्या, जहां बाबू कहे बाबू आदर आदर ठीक हो, हम लोग चला जाए। चला हम लोग चला जाए, हम लोग छिप के देखा जाए बाबू को, बाबू के निपटे के बाद हम लोग देखना क्षत्रियों का काम नहीं है। बाबू बाबू के निपटे के बाद हम लोग निपट जाए। फायदा कौन होना है, चलो अब हम इंतजार नहीं करेंगे। सही बात बाबू, वह कहे हैं चल चले बाबू। नौकरी तो लग गई हमारी, आज मैं आई हूँ फूल सींचने। फूल तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ए गुरुजी, देखा बहनी ये फुलवारी पूरा सींच दूँ, सींचे के बाद तो पैसा मिल जाए घर चल जाऊँ। अच्छा हाँ, ये फुलवारी सींचे के बाद। हाँ बस, तो है आवत है बाबू साहब, तुम्हें पैसा देंगे। अच्छा, आप चले जाइए। ठीक है ठीक, बस सींचना वहाँ। और क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या बताऊं यह जिंदगी इतनी अनमोल सी है, एक पत्ते की पानी की तरह है, कब निकल जाए कोई पता नहीं है, इस पे घमंड भी करना नहीं चाहिए। और क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा। माया क्या बात है ठाकुर साहब, आप हाँ। और इस बगिया में मैं आया किस लिए? किस लिए आए हो? कि तुम्हारी परेशानी हाँ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
हाँ परेशानी तो है ठाकुर साहब, क्या करें परेशानी की वजह से आज मैं आपके घर में फूल सींच रही हूँ। क्या मालिक की करिश्मा है, इसी से लोग कहते हैं कि गरीबी बहुत निर्दयी होती है, मजबूरी है कि आज बेचारी घास कर रही थी, घास करके पानी भी भर रही है। परमात्मा ने इसकी कैसी शकल बनाया, कैसी बॉडी बनाया, चांद सूरज फेल है, लेकिन आज मजबूरी है। देखो ये तुम बल्टी से पानी भर रही हो जी, तकलीफ मुझे होती है। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, अरे हम तो गरीब हैं, गरीबों का तो काम है आप सब के यहाँ काम करना, हमारा तो काम यही है साहब। मैं गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों का दुख मुझसे देख नहीं जाता, अपने आप को कुर्बान हो जाऊं वो ठीक है, लेकिन गरीबी बर्दाश्त नहीं होगी। आज से तुम्हें पानी नहीं भरना होगा। फिर ठाकुर साहब हम क्या करेंगे? पानी मैं भरूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, चौका बर्तन मैं करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं इतना शर्मिंदा मत करिए, क्योंकि ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। देखो एक कैसा हाथ, कितना कोमल है, कितनी सुंदर बॉडी है, सही बात। चौका बर्तन बाबू करिए, मैं करूंगा बाबू का, मैंने हमारे बाबू पहुंचे नहीं जाना, सौ मर्द में एक मर्द है, चौका बर्तन करिए, साया ब्लाउज ये धोइए, कल सुलतावा ये मजी। मैं मौका पर क्या नहीं कर सकता, कहते हैं कि मरसा क्या नहीं कर सकता, का ना कर सकते बाबू मार फूल कर सकते, जब तू लेटरिन जाबू ते पनिया लग पाऊ। एक बात कहो। हाँ कहिए ठाकुर साहब। बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं ठाकुर साहब, आपकी बातों को क्यों मैं बुरा मानूंगी। सुनो सुनो, माया हमारी बात क्या हमारी बात क्या, मान लो माया हमारी बात क्या, मान लो जो कुछ कहेंगे बुरा न जान लो, ठाकुर साहब एक बात मैं आपसे कहूं। कहो। और ठाकुर साहब मैं कैसे भूला,
जो कहना है कह दो साफ सब दो ऐसी बात है। ठाकुर साहब आप तो 40 गांव